दोस्तों, वेलकम बैक टू आर चैनल। दिस इज योर फ्रेंड निखिलेश रंजन जीव बंधु। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं मथुरा स्टेशन। और मैं सोच रहा था कि वन डे ट्रिप आपको दिखाऊं मथुरा और वृंदावन का, लेकिन ट्रेन जो है पूरे पूरे 10 घंटे से लेट हो गई है। और अभी आप देखें, मैं बात कर रहा हूं तो भाप निकल रही है, और ये पीछे हमारी ट्रेन है जो कि 10.5 घंटे से लेट हुई है। तो अभी हम पहुंचेंगे, किसी जगह पे रुकेंगे और फिर मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं क्या दिखा सकता हूँ। ऐसे ट्रेन इतनी लेट हो गई है और मंदिर सारे अभी बंद हो गए होंगे, फिर भी बने रहिए हमारे वीडियो में आगे ताकि मैं आपको कुछ दिखा सकूँ। दोस्तों, रिटायरिंग रूम तो नहीं मिली और अभी हम एक रिक्शा में बैठ गए हैं और रिक्शे के सहारे जा रहे हैं और देखते हैं अभी ये रूम मिलता है कि नहीं मिलता है। काफ़ी ज़्यादा ठंड है। हाँ, चलिए देखिए, भगवान की मर्जी। रद्द भी हुई है। अब देखे, कुहासा ही कुहासा है चारों ओर, ठंडी है खूब तेज, 8 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। अभी हम लोग स्टेशन से बाहर आ गए हैं और ये आप देखे कितनी चकाचौंध है। स्टेशन के पास से तो लग रहा था जैसे बिल्कुल ही सन्नाटा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ये है, चकाचौंध है। तो दोस्तों, फाइनली हमें मिल चुका है एक छोटा सा रूम। आप देखें, यही ट्विन बेडरूम, ट्विन बेड वाला रूम मिला है। देखें, एकदम ही बहुत ही सिंपल सा रूम है। वॉशरूम भी देखें, वॉशरूम भी ज्यादा कुछ ग्रेट नहीं है लेकिन काम चल जाएगा। फाइनली दोस्तों, बहुत मशक्कत के बाद में देखें, देसी खाना देसी लोगों के लिए आ चुका है। दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है दिन 27 जनवरी और अभी आप देख सकते हैं मैं मथुरा में कल रात को पहुंचा था, और अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं वृंदावन तो नहीं जा पाऊंगा इतने शॉर्ट नोटिस में, क्योंकि मेरी ट्रेन है नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तब भी हम मथुरा में जो दो सबसे मेन मंदिर है वहाँ जा रहे हैं, और अभी आप देखें कितना कुहासा है आसपास में। और अभी अभी सुबह मस्त नहा धो के हम निकल चले हैं अपनी जर्नी की ओर। तो बने रहिए हमारे वीडियो में आगे और देखते हैं कि हमें कृष्ण जी की नगरी में क्या देखने को मिलता है। तो आप देखो कितना कोहरा है मेरे आजू बाजू, कुछ नज़र नहीं आ रहा है सही से, और अभी मुझे पता नहीं है कि मंदिर का रास्ता कौन सा है। फिर भी हम जाएंगे, देखते हैं कोई लोग अगर हमें मिल जाए। और नहाने के बाद में काफ़ी ठंडी है यहाँ, जमशेदपुर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ठंडी है, और हमने जो हुडी पहन रखी है वो भी बहुत लाइट है। अभी मैं उधर से आया था और अभी मैं इस तरफ जा रहा हूँ कोहरे की चादर में छिपता हुआ। जय बजरंग बली की बोलते हुए हम अपनी यात्रा का आरंभ करेंगे। तो जय बजरंग बली, तो मिलते हैं आपको कुछ जन्मभूमि पे। दोस्तों, कुछ पल पैदल चलने के बाद में एक टोटो में 10 रुपए खर्चने के बाद में फाइनली हम आ गए हैं जन्मभूमि की तरफ में, और अभी हम जाएंगे उधर और आपको दिखाते हैं वहाँ का वीडियो। तो देखिए, यहाँ से मंदिर का जो रास्ता है स्टार्ट हो रहा है, बहुत सारे भैया जी लोग जा रहे हैं। देखिए, राधे राधे की शॉल भी पड़े हुए हैं लोग, राधे राधे। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने पहले पड़ाव पे और वहाँ पहुंचते हैं, लेकिन हमें तो बहुत ही मजा आ रहा है। दोस्तों अभी हम लोग पहले पड़ाव पे तो पढ़ रहे हैं, आप देखिए कुहासा है, बहुत ही मजेदार है। और यही है पात्र, कुछ ही देर में मंदिर के पास पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए, यही एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री करेंगे वहीं मंदिर के ऊपर। वीडियो तो क्लियर नहीं आ पा रही है,
काफी कुहासा है। तो आप देखें यहाँ एक कुंड है, बट कुंड में अभी इतना ठंडा पड़ रहा है कि सही से कुंड दिख नहीं रहा है। देखते हैं अगर लाइट आती है तो हम आपको दिखाएंगे कुंड कैसा, इसमें लाइट एंड लेजर्स होता है। जैसा कि आप देखें अब इधर से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ इस कुंड के बारे में लिखा गया है। तो हम थोड़ा आगे चले गए थे, एक्चुअल गेट ये था और हम थोड़ा आगे चले गए थे, तो अब हम इधर से प्रवेश करते हैं और आपको दिखाते हैं अगर मंदिर में अंदर कैमरा अलाउड होता है तो। आप देखिए ये गेट नंबर 1 है कृष्ण जन्मभूमि का। फोन को जमा करना है, फोन स्मार्ट वॉच या कुछ भी अलाउड नहीं है। देखिए 10 रुपये प्रति बैग के हिसाब से मिलता है और यहाँ बहुत सारी चीज़ें अपनी जमा करनी होती है, तो उसमें से हमारा मोबाइल फ़ोन एक है जिसको हम जमा करना है और ये हमारा स्मार्ट वॉच इसको भी। तो हमारे 10 मिनट पूरे हो गए और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और आप देखिए ये मंदिर है, काफ़ी कुछ है अंदर देखने के लिए और बहुत ही भव्य आरती की आरती करने का भी मौका मिला। और उस तरफ हमने आपको एक कुंड भी दिखाया जहाँ कृष्ण जी के कपड़े धुलते थे। और अभी हम चलते हैं और नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, तो बने रहिए हमारे वीडियो में आगे। आप देखिए कुछ गधे हैं अलग अलग रंग के साइज के। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं द्वारिकाधीश मंदिर की तरफ में। सुबह जल्दी उठ जाने की वजह से भीड़ काफी कम है और ठंड भी बहुत ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली वृंदावन तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन एक काम है जिसकी वजह से नहीं जा पा रहे और शायद भगवान की मर्जी है कि नेक्स्ट ईयर हम दोबारा यहाँ आए। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, देखते हैं अगर यहाँ मंदिर में अगर मोबाइल अलाउड होगा तो यहाँ की वीडियो लेने की कोशिश करेंगे। ये देखें एक पुराने जमाने का धर्मशाला है, काफी पुराना है, कभी किसी का घर रहा होगा। ये देखें इनका नाम है लवाले का। और यहाँ पे एक मंदिर का द्वार है जो कि अभी खुला हुआ नहीं है। आप देखें बहुत ही सुंदर है। दोस्तों आप देखें ये है यहाँ का जामा मस्जिद, काफी पुराना है ये भी। देखिए एक और छोटा सा मंदिर है। तो अभी हम लोग और एक मंदिर के पास में आ गए हैं और इसके बाद हम आपको द्वारिकाधीश मंदिर के पास में ले चलेंगे। दोस्तों यही थे द्वारिकाधीश मंदिर, आप देखो कितना प्राचीन कितना सुंदर। और जस्ट इन टाइम आए, जैसे मंदिर बंद होने लगा था वैसे ही पहुंच गए। दोस्तों अब हम लोग फाइनल चरण में हैं, मथुरा से निकलेंगे 1-2 घंटे के बाद में। तो हम लोग आए अभी नौका विहार की तरफ में, देखते हैं नौका विहार कर पाते हैं या नहीं। तो अभी हम लोग यमुना जी में आ गए हैं और ये है हमारी और अभी हम लोग इसका वीडियो लेंगे। आप देखिए कुहासा है लोग अभी कंस किले तक जाएंगे। आप देखिए प्रवासी पक्षी भी है यहाँ। बहुत सारे नाव वाले हैं और हम क्योंकि देखें